गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम छत पर से, जैसे कि आगे भी करते हैं। और रात ना मैं अपना वीडियो एडिट नहीं कर पाया, नींद आ गई मेरे को, तो कुछ हो गया था, कुछ रह गया था। तो अभी फ़िलहाल उसको वीडियो को एडिट करते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं, खाना खाते हैं, फिर ऑफ़िस को जाना। आज 28 फेब है, तो मंथ का लास्ट डे, तो ऑफिस में भी जाना ज़रूरी है। और थोड़े से कुछ काम है, जल्दी जल्दी निपटा के फिर से वापस आ जाएंगे। थोड़ी सी धूप हड्डियों को लगवाने के लिए मैं ऊपर आ गया था, तो अभी धूप हड्डियों को लगवा ली, अभी फिर से वापस आ रहे हैं और थोड़ी सी एक्सरसाइज कर। तो कुछ इस तरह से होती है मेरी डेली मॉर्निंग की स्टार्टिंग। गुड मॉर्निंग कंचन चाचा। मम्मी गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? हाँ सुबह सुबह नाश्ता तैयार हो रहा है। क्या बन रहा है कंचन आज? मूली वाले पराठे। क्या बात है, ये क्या है? मेथी, धनिया, मेथी। अच्छा अच्छा, मिक्सचर होगा इसका। आपको भी खानी है? कंजू शायद ये ना जोर लगा रहा है, कुछ कर रहा है मेहनत। ये देखो मेहनत मेहनत, इसके एक्सप्रेशन देखो। मेहनत कर रहा है ये। वो अपने फेस के एक्सप्रेशन दे रहा था, मैं समझा नहीं कि क्यों मेरा अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा था। मैंने बोला चाचा वो, तो कह रहा कि बताता हूँ यार, कुदरत है, इसको चेंज नहीं कर सकते, सभी के साथ होता है। तो फिलहाल मैं फटाफट से अपना वीडियो एडिट कर लूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे को जल्दी निकलना है। और टाइम जो हो चुका है वो सुबह के बजे हैं 9, और आज मैं उठने में लेट हो गया। कल बात हो रही है, आज निकाल भी लिए, ये कहाँ से लेके आए? तो ये है मम्मी के मोजे, बनाए किसने? मासी ने। ये तो बोट लग रही है, पानी में भी तैर लेंगे ये। तो बनाए बनाने अनवित, आपने खा लिया खाना? यस मामू। आज मैं सबसे लेट हूँ खाना खाने में। आ गया, मुझे लगता नहीं था कि आएंगे, पहुँच गए इजीली। मुझे डाउट था कि आप शायद नहीं आ पाओगे यहाँ पे। नहीं नहीं आ जाए हो गया, बस यही था। नहीं नहीं, कोहरा है और भी है। अच्छा ठीक है। एक्चुअली जोमेटो भले आए थे, कुछ ऑर्डर किया हुआ था, कंचन ने पार्टी दे रही है करीब, मुझे डाउट था शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारे घर के पास जोमेटो आ गया। एक बार पहले मंगवाया था मैंने, कोरोना से पहले, उसके बाद टीम कम हो गई थी, आना बंद कर दिया था। स्विगी की लगी हुई है तो जोमेटो वाले। आते हुए मैं टमाटर और अदरक भी लेके आया, और इधर हमारी हो रही है अनबॉक्सिंग। और पेट में चूहे कूद रहे, दोपहर से भूखे थे, अभी शाम के जो टाइम हो चुका है वो हो चुका है 4:43, अभी पूरा 1 घंटा लगा इनको जहाँ तक पहुँचने, क्योंकि पहले ऑर्डर हुआ, फिर ये ऑर्डर उठाने गए, फिर ये आए 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 इधर को आगे, कह रहे कि बहुत दिक्कत हुई, या मैं आने के लिए पहले किसी और गांव में घुस गए थे। पिज़्ज़ा जो हमारा है ठंडा हो चुका है, और एक पिज़्ज़ा कम। मम्मी आपको तो खाना नहीं, आज हमारी पार्टी हो रही है, तो ये रहा हमारा कोक आइसक्रीम, और ये था कंचन का शेक, और ये भी मेरे शेक है। मम्मी पीना चाहे तो पी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, रल मिल के सब पी लेंगे, ठीक है, सब टेस्ट कर लेंगे। और मम्मी आप बहुत कम पिज़्ज़ा खाते हो, और कभी कभी खाते हो, मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम ही खा रहे हो मम्मी ये वाला पिज़्ज़ा। फर्स्ट टाइम खा रहे हो। तो ये बर्गर है, जे मैं नीचे नमन और किशु को दे देता हूँ। घर पे मंगवाने में इतना मजा नहीं आता जितना घर पे खाने के बाद, क्योंकि ठंडा हो गया। कंचन ये है कोक आइसक्रीम। हाँ कोक में आइसक्रीम डालेगा, अच्छा है टेस्ट। जो स्कूल जाते थे ना हम, तो देवीतला मंदिर के बाहर होता है जिग जैग, वहां पे जाते थे हम। कुछ भी है 10 रुपए की बीर होती, 30 रुपए 25 रुपए का पिज्जा आ जाता था। अब फिर कब आओगे तुम? कब आओगे? अब जल्दी आना मामू के पास, नानी के पास, अब ठीक है? अनवी जा रहा है, आज फिर मैं और मम्मी अकेले हो गए आज, फिर से घर में जो चहल पहल थी ना मची हुई, फिर से शांति वाला माहौल हो गया। मैं और मम्मी मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग्स में, और बिल्कुल खामोशी वाले व्लॉग्स मिलेंगे आपको। अभी जल्दी आना, खामोशी वाला क्यों? कल मंदिर को आओगे आप, है ना? कल शिवरात्रि है, तो हमारे यहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं। बाय कर दो, बाय बाय। है कल होरी मंदिर जाने, कहाँ जाओगे? और जाओगे? नहीं इधर भी आ जाना वहाँ पे देखने के लिए। हम ना लाइन में आपकी जगह बना के रखेंगे कि कंचन आएगी यहाँ पे। बाय बाय कर दो, उतने पे एक इंसान खड़ा हो जाता है, बाकी मेरी सीट बुक कर ली। क्या वो भी साथ में ही है? ऐसे वाली चाचा हूँ, एक बार बोल दो चाचा हूँ, चाचा हूँ। अच्छा अच्छा बोलो छिड्डू, बोलो छिड्डू, बाय बाय, बोल छिड्डू बाय, टाटा, बोल छिड्डू लव यू। नहीं बोलना चल ठीक है ना? ओके ओके ठीक है। हाँ नानी उधर है, नानी कहना मिल ले। अच्छा इसने भी मिल ले, हगी हगी करनी है। अच्छा बोलो चाचा हूँ,
या नहीं चाचाऊ? एक बार बोल दो चाचाऊ। जाना अंदर। चिड्डू। चिड्डू बाय। 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 बाय चिड्डू। ठीक है। ठीक है बाय। अच्छा मम्मी। जल्दी आना अब। ठीक है जी। मम्मी को बाय करते। चलिए कंचन और अनवित और पंकज जी चले गए हैं। अभी कल में भी आए वो हमारे यहाँ पे लोकल मंदिर है और मम्मी फिर से हम अकेले हैं तो अभी आप अकेले क्यों हैं? अकेले नहीं मैं और मम्मी है ना भगवान तो और क्या मम्मी के लड्डू गोपाल जी इनकी स्कूटी यहीं पे है मेरी स्कूटी हिमाचल में है सेम है कलर और अंधेरा हो चुका है और हाँ मेरी ना मतलब कि हाँ यहीं पे खोल रहा हूँ एक्चुअली जो मेरी स्लिपर है ना उसमें गदर फैल चुका है क्योंकि यहाँ पे डॉग्स वगैरह घूमते रहते हैं तो पोटी कर देते हैं तो वही वाली पोटी हमारी चप्पल के नीचे लगी हुई है तो हम थोड़ा बाहर रुके हैं मम्मी कह रहे बाहर रुके रहे ना अंदर बढ़ने की कोशिश मत करना इसको वॉश करेंगे साफ हो जाए फिर अंदर जाते हैं अच्छे से जगमगा दिया लाइट्स के थ्रू और मैं अभी मंदिर में माथा टेकने के लिए आया था तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी शाम के टाइम का माहौल अभी सुबह रौनक लग जाएगी बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा हमारे गांव का एकमात्र एक लौता शिव मंदिर तो मैं घर पहुँच चुका हूँ और आवाज़ आ रही है मम्मी मोबाइल चला रहे हैं आई थिंक मम्मी देख रहे हैं मेरा व्लॉग और आप भी देखो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो मम्मी ब्लॉग देख रहे हैं मेरा तो अभी भूख नहीं है क्योंकि शाम के टाइम हमने पिज़्ज़ा बर्गर इतना कुछ खा लिया और वो शेक वगैरह पी लिए तो हमारा जो पेट है फिल है और मम्मी के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ रही है कि शायद आज खाना ना बनाना पड़े नहीं नहीं बनाने तो नहीं मैं हंस रहे हंस रहे हंस रहे खाएंगे लेकिन लेट खाएंगे आपको खाओ फिर भी इतनी भूख नहीं होती फिर भी थोड़ा बहुत खा लेंगे क्योंकि ऐसा ना हो कि रात को 12-1 बजे हमें भूख लगे फिर कुछ भी मतलब दिक्कत हो अच्छे तो एक दो फुलके खाएंगे सब्जी क्या मम्मी दाल दाल वाली सब्जी है तो मतलब कि इस टाइम अभी सुबह लेके कल भी मतलब कि अच्छा था माहौल रौनक थी मतलब कि जो अनवित ने ना शोर शराबा कर रखा हुआ था मैं बच्चों से चहल पहल होती है ना घर में तो अभी मैं और मम्मी अकेले रह के फील कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा ना मैं मंदिर जाके आया मंदिर वो टाइम पर जाके आया नहीं नहीं रश नहीं अभी सुबह होगा अभी शाम के टाइम ठंड हो चुकी है मैंने अपना ब्लैंकेट निकाल के रखा हुआ है इधर तो जस्ट अभी मैं अपना वीडियो एडिट करके फ्री हूँ और मम्मी ने पीछे से खाना भी बना दिया और मैंने बोला कि मेरे लिए खाना मत बनाना लेकिन मेरे को है कुछ डिफरेंट खाना तो स्पेशली ना मम्मी को मैंने बोला कि मूली वाले परांठे हैं वो बना दो मेरे लिए क्योंकि परांठे और चावल खाने मेरे को अच्छे लगते हैं वैसे भी खाने का मेरा खाना खाने का मन नहीं था लेकिन जब मेरे को पता चला ना कि मूली बची हुई है और एक परोंठी बची हुई थी सुबह की तो मैंने बोला कि एक परोंठी और बना दो तो फिलहाल मेरा आज का जो डिनर है ना वो परोंठियों के साथ चल रहा है तो मम्मी ने परोंठियाँ बना दी आपने खा लिया मम्मी खाना मम्मी खा के आपने भी खाई परोंठी खाई एक परोंठी अच्छा वो सुबह वाली है अच्छा एक ही परोंठी बनाई फिर मैं दो कोई बात नहीं तो अभी फिलहाल मैं परोंठी खा लूंगा थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है लेकिन सही है क्योंकि हाँ ओवन में गर्म हो जाएगी ना ये तो हम भूल ही गए थे दो मिनट ओवन में गर्म होने के लिए कुछ ना हमें ओवन वाली प्लेट्स लेके आनी है ना ताकि ओवन में नहीं इसलिए हम फटाफट से ना कर सके एक है वो एक नहीं है दो अच्छा अच्छा और चलिए फिलहाल अभी खाना खाते हैं मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में होप आप लोगों को ये वाला छोटा सा व्लॉग मेरा अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करना कमेंट करना शेयर करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को अंकुश अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से बाय बाय हाथ मेरा फिर से ऐसे जाने वाला था लेकिन मैंने यहीं पर कंट्रोल कर लिया एकदम से दिमाग में बात आ गई वही कि ऐसे नहीं करना टेंशन कुछ नहीं होती हमारी लेकिन वो जब ऐसे करते हैं ना तो लगता होगा ऑडियंस को हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को कि ऐसे फेस पे आ रहा है ऐसा कुछ नहीं है तो जस्ट हम कैमरा का जो फेस होता है उसको बंद करने के चक्कर में ऐसे कर देता हूँ तो चलिए अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो दूर से बाय बाय सभी को मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में
ये तो लूट लिया हमें। हमने दो पिज्जा मंगवाए थे, बर्गर मंगवाए थे और क्रशर मंगवाए थे। पिज्जा एक ही देके गया, एक पिज्जा कम है। बिल नहीं होगा उसमें, होगा दो पिज्जा, उसको बोलना पड़ेगा।